नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा इस समय हूं सुदामापुरी के सी ब्लॉक एरिया में। यहां एक हादसा होता है जो कि इस समय काफी दिल्ली के अंदर चीजें ऐसी हो रही हैं। आपने चाइनीज मांझे का नाम सुना होगा, इससे दिल्ली के अंदर काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और खासकर 14 अगस्त के बाद तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में भी ये मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कई लोग करीब अब तक दिल्ली के अंदर अगर एक रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 से 12 लोग चाइनीज मांझे से जो रिकॉर्ड में आ रहा है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। कई फैमिलियां बर्बाद हो गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस मांझे से घायल हुए हैं मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन लगाई गई थी जिसमें यह मांग रखी गई थी कि दिल्ली के अंदर चाइनीज मांझे को बैन कर दिया जाए और 15 अगस्त में पतंग उड़ाने को लेके बैन कर दिया जाए, यानी पतंग उड़ाने को परमिशन ना दी जाए। मगर जब हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस से इस पे राय मांगी, उनका जवाब मांगा, तो दोनों ने ही दिल्ली हाई कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि दिल्ली में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, हम पूरी शक्ति बरत रहे हैं, चाइनीज मांझे बैन है, पतंगबाजी पे कोई किसी भी तरीके का बाउंडेशन ना लगाया जाए। हाईकोर्ट ने यह बात उनकी मान ली और उनके इस कथन पे परमिशन दिल्ली में पतंग उड़ाने की मिल गई। मगर सवाल उठता है कि जब चाइनीज मांझे बैन है तो दिल्ली में आ कहां से रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फिर दुकानों पे बिक कैसे रहे हैं? और ये अगर बिक नहीं रहे, मार्केट में आ नहीं रहे, इसकी चाइनीज मांझे की सप्लाई नहीं है, तो फिर इससे हादसे कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पतंग आप लोगों ने बुराई होगी, पतंग हम लोगों ने बुराई है, इससे पहले ऐसे हादसे नहीं होते थे मगर पिछले कई करीब 3-4 साल से यह हादसे इतने बढ़ गए हैं कि लोग अपनी जान गंवाने लगे हैं और लगातार इसको अब बैन करने की मांग उठ रही है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो सीधी सी लापरवाही है। आखिर यह आ कैसे रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कैसे दुकानों पर बिक रहे हैं, लोगों को इजी तरीके से कैसे मिल जा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट के क्या रोल है इसमें, क्या वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही या सिर्फ आश्वासन देके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपना पल्ला झाड़ ले रही है और उसके बाद जो हो रहा है वो होने दे रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी कई लोगों पर FIR दर्ज की है, कई लोगों को अरेस्ट किया है जो पतंग से मतलब चाइनीज मांझे से पतंगबाजी कर रहे थे। जब उनका उनको पता चला तो उनके घर में जाके कई बच्चों को कई पेरेंट्स को मांझे के साथ गिरफ्तार किया गया, उनको थाने लाया गया है। मगर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स के साथ हम मौजूद हैं जिनकी जान जाते जाते बची है। किस्मत अच्छी थी उनकी, परिवार के साथ उनके अच्छे कर्म थे कि परिवार इनकी जान से हाथ धोने से बच गया। आइए हम दिखाते हैं कि इनका कितना बुरा हाल हुआ है और इनके साथ क्या हादसा पेश आया, ये खुद आपको बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। और ये हादसा आपके साथ कब हुआ और कैसे हुआ था? सर ये 15 अगस्त को करीब 9:30 और 10:15 के बीच की बात है। ये आदर्श नगर के आस पास में जब शालीमार बाग का जो फ्लाईओवर चढ़ने से पहले एक वहाँ पे बस्ती वगैरह आती, मार्केट थी, तो मैं और मेरे बड़े भाई जा रहे थे यहाँ पे संजय गांधी एनिमल हॉस्पिटल जा रहे थे अपने डॉगी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वहाँ पे अचानक ही एकदम मेरे गले में आके ये स्टिंग लगती है बहुत तेज से, तो मैं एकदम बाइक को स्लो करके और साइड में लेके आता हूँ जब तक वो मेरे गले को काफ़ी डैमेज कर देती है। उसके बाद फिर मैं उस स्ट्रिंग को मांझे को मैं हाथ से बचाने की कोशिश करता हूँ, तोड़ने की कोशिश करता हूँ, वो टूटता नहीं है, इवन मेरे सारी फिंगर्स को भी वो पूरा डैमेज कर देता है। ये सारी ये उंगलियाँ इसमें टाके आए हुए हैं, इसमें टाके हैं, इसमें टाके हैं, दो टाके इसमें, एक एक टाके इसके अंदर आए हैं, 10 टाके यहाँ नेक पे आए हैं। इतनी ब्लीडिंग हुई जैसे एकदम कोई सर्जिकल जैसे गला काट देता है कि, और छोटे मोटे हॉस्पिटल वालों ने तो ट्रीट करने से ही मना कर दिया, उन्होंने तो सीधा साफ देखने से ही मना कर दिया था। बाकी उसके बाद फिर मेरे को मेरे बड़े भाई हॉस्पिटल ले गए मैक्स में, वहाँ पे जाके मेरा ट्रीटमेंट हुआ। आपके इसमें गले में 10 टाके आए हैं जी, तो आपको ये पता क्या चला कि आपके गले पे चाइनीज मांझे से इस तरीके का घाव बन गया है? सर क्योंकि मांझा मैंने खुद देखा है, मांझे से जब मैं हाथ
जब मांझा मेरे लड़ा है उसके बाद मैं हाथ से कर रहा हूँ तो वो मुझे मांझा तो दिख ही रहा है ना सर। तो अब जब मांझा था जो मैं हटा रहा हूँ गले से हटा के फिर मैं हाथ से उसे कर रहा हूँ, फिर मेरा भाई ने कह रहा मांझा एकदम गाड़ी साइड रखो, भाई ने भी देखा है तो। और वो मांझा मांझा नहीं है, वो मौत का सामान है। वो ऐसे हमने भी पतंग उड़ाई है पहले कई साल पहले, अब तो नहीं उड़ाते हम क्योंकि हमने इस चीज से कई हादसे देखे थे, बच्चे छत से गिर जाते थे। अब तो वो चीजें अलग ही हो गई, अब तो छत से गिरे ना गिरे तो मौत का सामान है, बच्चे उड़ाने वाले भी बेचने वाले सब ये तो खुले हम छुरी चाकू बेच रहे हैं। ये छुरी चाकू से तो आदमी बच भी सकता है, इससे नहीं बच सकता, ये सामने से नहीं दिखेगा, जब लड़ेगा आपको जब पता लगेगा कि हाँ पे कुछ चीज लगी है आके। यानी उस टाइम भी आपको दिखाई नहीं दिया? सर मैं जब ड्राइविंग कर रहा हूँ और मांझा ऐसी चीज है कि वो सीधा इतनी पतली सी लेयर होती है कि वो एकदम नहीं दिखेगी आपको आके। आपने हेलमेट लगा रखा है, फिर हमारे हम अबव 40 हैं तो हमारा थोड़ा सा विजन में भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा लगा हुआ है मेरे, तो वो चीज़ सीधा जब यहाँ पे महसूस हुई उसके बाद बाइक रोक के जब लड़ रहे हैं उससे जब पता लग रहा कि मैं मांझा है। और मांझा क्या, वो मांझा हमने भी पतंग उड़ाई है, वो मांझा वो वाला मांझा नहीं है, पता नहीं कैसा था, टूटता भी नहीं है ये, और इतना तेज एकदम हथियार की तरह एकदम काट देता हुआ चला गया है वो। फैमिली ने आपके बताया कि आपने गले पे एक रुमाल एक स्कार्फ टाइप की चीज डाल रखी थी जी, उसके बाद भी ये डैमेज कर गया इतना आपको? बिल्कुल, सब लोग बोले कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा ऐसे जा रहे, कह रहे भी गले में कुछ डाल लो अपना, तो मैंने एक स्कार्फ डाला, डबल लेयर का डाला था स्कार्फ, उसका प्रॉपर हेलमेट लगा रखा था मैंने, स्कार्फ डाल रखा था और बड़ी सावधानी से चल रहा था। यहाँ तक के सारे रूट क्लियर होने के बाद मुझे लगा कि अब चलो ठीक है यहाँ पे नॉर्मल होगा, और वहीं पे जाके वो हादसा हुआ मेरे। और पर्टिकुलरली जो ये जितने भी ये जो एरिए हैं, जैसे ये हमारा यमुना पार हुआ, इधर आजादपुर हुआ, इस एरिए में इतनी बिक्री हो रही है इनकी, बेखौफ हो रही है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई प्रशासन ये कहे कि हमने रोका है, नहीं, ये सस्ते के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देखते से कोई बैन वैन नहीं हुआ, सब बिक रहा है। यानी आपको प्रोटेक्शन लेने के बाद भी ये घाव कर गया जी, अगर ये प्रोटेक्शन आपकी नहीं होती तो शायद कुछ और बड़ा हादसा हो सकता था सर, शायद फिर मैं आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा था, तस्वीर चढ़ी होती दीवार पे और माला चढ़ी होती फोटो के ऊपर मेरे। और ये आप ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट दावे कुछ भी करे, दिल्ली पुलिस दावे कुछ भी करे, मगर ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं पूरे मार्केट में जी, लोगों को बड़े आराम से मिल भी रहा है जी। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप अपने घर की छत पे जाइए, ऊपर मेरे घर की छत पे जाइए, हमने नहीं उड़ाई है, लेकिन आपको मिल जाएंगे वहां पे उलझे उलझे पौधों में, सारा चाइनीज माल है, आप पूछिए हर एक से जाके पूछिए, सबको पता है सारा चाइनीज है ये। यानी चाइनीज मांझा सप्लाई भी हो रहा है जी, बिक भी रहा है, और दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट या कोई भी सरकार है कितने भी दावे कर ले ये सब झूठे ही है एक तरीके से। बिल्कुल सर झूठे हैं, माल तो बिका है। आप उस दिन भाई के साथ थे अपने? जी सर। तो उस दिन जब ये हादसा हुआ उस समय हालात क्या थे और आपने इनको बचाने के लिए क्या क्या किया? सर पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया था, जब मोटरसाइकिल हिली तो मैंने देखा, मैंने क्या हुआ तो देखा ये मंजा इसने हाथ से कर रखा और ब्लड इसका बह रहा है, और मैंने कहा इसने फिर इशारा करा गर्दन की तरफ को, हमने साफी बांध रखी थी, मैंने छोटे भाई ने एक काले वो ऐसा इसका कुछ अंदर मोफलर सर्दियों में लेते हैं वो वाला डाल लिया था। तो ये हादसा जब हम मुकंदपुर से चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, आजादपुर का फ्लाईओवर चढ़ने से पहले तो वो रोड नंबर 51 आता है और गोपाल पार्क, तो वहाँ का हादसा है, वो भी मैंने बाद में आके जब मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी थी ढूंढता हुआ मैं पहुंचा, जब वहाँ पता चला कि ये इस जगह का नाम है। तो सर मैं वहाँ से पहले मैंने वहाँ के जैसे हमने कहा इसको मोटरसाइकिल छोड़ गेड़ दे नीचे, फिर इसने धीरे करके मोटरसाइकिल छोड़ी, वहीं के आसपास की जो मार्केट वाले थे कुछ दुकानें खुली हुई थी वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने भी बल्कि एम्बुलेंस पे फोन करना शुरू करा और वैसे करा, उससे पहले एक जिप्सी भी जा रही थी सर मैंने उसको हाथ दिया मेरा खूब, मैं रोया बहुत ज्यादा लेकिन किसी ने भी नहीं सुना और ना रोका, उस पुलिस वाले ने भी जिप्सी नहीं रोकी, कल को अगर वो पुलिस वाला कोई गिर रहा होगा तो मैं आम आदमी को नागरिक को उसे उठा नहीं सकता क्योंकि पुलिस वाला ही आगे उठाएगा उसे सर, उसे पुलिस वाला ही आगे उठाएगा, मैं नहीं उठा सकता, लेकिन उसे जिप्सी नहीं रोकी सर, फिर एक पुलिस वाले नहीं रोकी सर, मैं
क्योंकि पहले मैं घबराहट में मैं 100 नंबर मिला था, 100 नंबर पे वो कभी कभी 8 दबाओ ये करो, मतलब कि उस बात को मैं इसका ब्लड दे के परेशान हो रहा। फिर एक बैटरी रिक्शा वाला रुका, फिर एक मेरे को सज्जन ने बोला कि भाई एक काम करो इनका ब्लड ज्यादा हो रहा है, आप फटाफट जिप्सी और इनके पुलिस के और एम्बुलेंस के चक्कर में मत पड़ो और आप लेके जाओ यहाँ से। मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और जो हेलमेट वगैरह था मैंने सारा सामान वहीं छोड़ा। उसके बाद बैटरी रिक्शा वाला मेरे को आजादपुर का जो मंडी का 1 नंबर गेट के सामने हॉस्पिटल में वहां लेके पहुंचा सर। उन्होंने मेरे को अंदर भी जाते साथ ही गार्ड और वो, फिर मैंने इमरजेंसी कर कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे भाई की गर्दन कट गई है बंजे से, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, उन्होंने ऐसे सीधा जवाब मारा। वहीं से फिर बाहर को निकल के हमें एक ऑटो वाला मिला, ऑटो वाला फिर बल्कि मेरा प्लस में इतना था बैटरी रिक्शा वाले ने मेरा मोबाइल लाके वापस दिया। फिर मैंने वो ऑटो में लेके इस भाई को मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग पहुंचे, वहां फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ सर। उसके दिल्ली गवर्नमेंट की फरिश्ता स्कीम है जी सर, क्या आपने उसके अंतर्गत क्यों नहीं ये कार्रवाई करी सर? करा मैंने, उसको भी करा लेकिन कोई नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती हो लेकिन मैं आपको और मैं अपने आप कागज दिखा दूंगा, कोई कोई नहीं है। वो कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट के अंदर आता है, रोड एक्सीडेंट के अंदर यह है कि आप बस के अंदर टक्कर मारे या बस आपको टक्कर मारे, गाड़ी आप गाड़ी से गाड़ी टक्कर मारेंगे तो रोड एक्सीडेंट है। अगर आपका पेड़ गिर जाता वो रोड के ऊपर आपका वो रोड एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि तो पेड़ गिरा है, वो रोड के ऊपर पेड़ गिरा, गाड़ी से गाड़ी नहीं टकराई है, ये मंजर रोड एक्सीडेंट में नहीं आएगा। खंभा गिर गया आपके ऊपर वो रोड एक्सीडेंट नहीं आएगा, हवा में उड़ के कोई चीज आपके पास रोड पे लग रही है वो रोड एक्सीडेंट नहीं आएगा, गाड़ी से गाड़ी टकराएगी वो रोड एक्सीडेंट माना जाएगा सर। मतलब इसमें भी कंडीशन अप्लाई है जो भी सर, ऐसा मेरे को हॉस्पिटल वालों ने बताया, हमसे पैसे लिए गए। और साथ ही साथ अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है, ऐसी कोई भी हादसे होते हैं, वो रोड भी तो हो रहा है सर। ये मैं अलग से इसको, ये तो मैं केजरीवाल सरकार से पूछ, केजरीवाल सर को मैं आपके माध्यम से आपके चैनल से बता रहा हूँ कि अगर आप केजरीवाल साहब सुने तो एक बार को इस बात को या तो आप जनता को बताएं कि गाड़ी रोड एक्सीडेंट फरिश्ते जो स्कीम में क्या है, कि गाड़ी से गाड़ी टकराने पर है या रोड पे कोई भी चीज, अगर ट्रक के अंदर से कोई सामान उड़ के या बांध रखा है या रस्सी टूट के वो सामान आपके ऊपर गिर जाता है किसी पे भी, तो वो रोड एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि गाड़ी नहीं टकराई, वो सामान आपके ऊपर आके गिरा है। अच्छा, वो रोड पे नहीं हुआ? नहीं, वो रोड पे एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। मतलब आदमी के साथ हादसा हो जाए, रोड पे हादसा हो जाए, हाँ जी, उसमें भी नए नए कानून लग जाएंगे। बिल्कुल सर, तब उसके अगर आप उसके हिसाब से जो कानून लागू होता है उसके जैसे, तो फरिश्ते जी सर, जैसा मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में गाइडेंस दी गई वो इस तरह की बताई गई डॉक्टरों ने या लोगों ने, जो सर वहाँ पर रिसेप्शन पे बैठे हुए या डॉक्टर भी है, मैंने पुलिस वाले SHO वहाँ के भी आ गए थे सर, आदर्श नगर थाने के IO सर का भी 2-3 बार फोन है, SSO सर का भी आया था, उन्होंने बल्कि कहा भी था आप क्या कार्रवाई चाहते हैं। मैंने सर, मैंने उस मंजे को या पतंग उड़ाने वाले को या बेचने वाले को तो मैं जानता नहीं, मैं तो वहां से निकल के जा रहा था, बस ये हादसा हुआ, बस मेरे भाई की जान बच गई, इससे ज्यादा क्या है सर। लेकिन जो फरिश्ते स्कीम है या कुछ भी है ये तो केजरीवाल सरकार बताए कि किस तरह से लागू है या हॉस्पिटल वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी हमने आपकी जो ये बात कराई उस पीरियड से जिसके साथ ये हादसा हुआ, उनकी फैमिली से बात कराई, यहाँ कई कमियां गवर्नमेंट की भी दिखती हैं, प्रशासन की भी दिखती हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से इसमें सीधी सीधी लापरवाही के ही मामले में आती है। कहने को दावे ये लोग हाई कोर्ट में कुछ भी कहें, कुछ भी दावे पेश करें, मगर जमीनी हकीकत आपके सामने है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग इस तरीके से घायल हो रहे हैं, जिनके परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जा रहा है, उस व्यक्ति के साथ कई महीनों का यह जो दुर्घटना है यह जुड़ जा रही है। अगर किस्मत अच्छी है तो बच जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर भगवान ही मालिक है। इसके साथ साथ एक चीज और जो यहां निकल के आई है कि फरिश्ते स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की, जिसको लेके उसने काफी दावे किए हैं, वो भी इसमें लागू नहीं होती, यानी उसमें भी कंडीशन अप्लाई है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको किसी अच्छे ट्रीटमेंट लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप फरिश्ते स्कीम भी नहीं ले सकते और आप रोड पे ही अपना दम तोड़ देंगे। यह भी यहां पे लापरवाही दिल्ली गवर्नमेंट की फरिश्ते स्कीम की दिखाई दी, जहां डॉक्टरों कहना कुछ और था, हॉस्पिटल कुछ कहना और था, और जो दिल्ली गवर्नमेंट लोगों को बताती है कि फरिश्ते स्कीम लागू होती है, उसमें आप कहीं भी लेके जाइए, प्राइवेट सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा, फ्री में होगा, यह भी यहां पे लागू नहीं होता। यानी दावे कुछ भी हो,
चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, दिल्ली पुलिस के हो, सभी दावे फेल नजर आए। और अगर आप रोड पे हैं तो आप अपनी जान खुद बचाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ये मामले लगातार ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी खुद बरतें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो आप फेस पे मास्क लगाइए, साथ में अपने गले पे एक कपड़े का लेयर जरूर लगाइए ताकि आपकी जान बच सके। इसके अलावा हाथों में ग्लव्स जरूर पहने, जिससे अगर मांजा फंसता है तो उस ग्लव से आपकी उंगलियां ना कटें और आप उस मांजे को अपने गले से हटा सके, आपके गला कटने की जो नौबत आती है वो ना आए। ऐसी कई सावधानियां हैं। और अपनी गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि एक झटके में यह सामने आता है और उसके बाद आपकी जान पे बनाती है। यह सावधानियां बरतिए, बाकी सरकार दावे करती रहेगी, जान आपकी है, आप खुद बचाइए। एन भारत टीवी दिल्ली।